Hey, what's up guys? Welcome to ANA The Unboxer. मैं ANA का second member हूँ. तो guys, आज मैं एक ऐसा product को unbox करने जा रहा हूँ जो कि आप देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे. तो बहुत ही बड़ा product है. तो चलिए guys, देखते हैं कि क्या है. तो guys, यही है product जिसे मैं unbox करने वाला हूँ. Samsung Blu-ray 3D Home Theater System. चलिए इसे unbox करते हैं. वाओ, ब्लैक कलर. तो गाइस, ये है सबवूफर, देख सकते हैं आप. ये है इसका डीवीडी जिसे आप द हार्ट ऑफ होम थिएटर भी कह सकते हैं. सेंटर स्पीकर जिसे आप टीवी के ऊपर या टीवी के नीचे कोई टेबल पर भी रख सकते हैं. ये डीवीडी का वायर है. चलिए अब स्पीकर्स निकालते हैं. ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये है इसका स्टैंड जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा. ये इसका स्टैंड है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. ये भी इसका स्टैंड है. ये वायर है, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा इसे कैसे कनेक्ट करें. और भी बहुत कुछ है गाइस. ये तीसरे स्पीकर का स्टैंड है. और ये चौथे स्पीकर का स्टैंड. और ये बाकी बचे दो स्पीकर्स. है होम थिएटर सिस्टम का पहला प्रोडक्ट डीवीडी जिसे मैंने कहा था कि ये है द हार्ट ऑफ द होम थिएटर सिस्टम. तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये ऑपरेट कैसे करेगा. गाइस, ये बटन, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं. और ये जो देख रहे हैं इसे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं. और इसके रिमोट आपको साथ मिलेगा तो आप रिमोट से इसे ऑपरेट कर सकते हैं. और पीछे का मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये छह रंग बिरंगे सॉकेट्स नजर आ रहे हैं. तो इसी से स्पीकर आपका कनेक्ट होगा. यहां पर आपको हर कलर का वायर मिलेगा. उस कलर के वायर को आपको इसी कलर में मैच करके लगाना होगा. और लगाने के बाद आपका स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा. और फिर उसके बाद फिर आपको ये टीवी से कनेक्ट करना है. तो HDMI का ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर, आप देख सकते हैं. वही HDMI लगाइए यहाँ पर और दूसरा कोड अपने टीवी पे लगाइए और कनेक्ट करके चलाइए. और आप ऑक्स भी लगा सकते हैं. यहाँ पर ऑक्स का सिस्टम दिया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं. ये व्हाइट और रेड कलर के सॉकेट्स हैं यहाँ पर. तो इसे लगाकर आप ऑक्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी गाने बजा सकते हैं. तो गाइस, और इसका एक और फायदा है कि आप इसमें नेट भी चला सकते हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बस आपको एक ब्लूटूथ सिस्टम का जरूरत होगा, बाकी वो ब्लूटूथ यहाँ पर लग जाएगा. यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं लैन में यहाँ पर लगाइए और फिर आप नेट भी चला सकते हैं. ये गाइस, ये है होम थिएटर सिस्टम का दूसरा प्रोडक्ट द सब वूफर. तो जैसा कि आप सब जानते हैं वूफर की क्वालिटी आपको इससे म्यूजिक सुनाई नहीं देगा, बल्कि म्यूजिक के जितने भी बीट हैं आपको उससे सुनाई देंगे. तो गाइस चलिए मैं बता देता हूँ कि इसे सेटअप कैसे करना है. ये देखिए, ये इसका वायर है जैसे कि मैंने आपको बताया था. तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का दिया हुआ है यहाँ पर. तो आपको यहाँ वायर में भी मिलेगा रेड कलर और ब्लैक कलर. तो आपको रेड वाले को
रेड में लगाना है, इसे नीचे प्रेस कीजिएगा और जो होल है उसमें आपको वायर घुसाना होगा और ब्लैक वाले को ब्लैक वाले में। गाइस ये हो गया और फिर ये ग्रीन कलर्ड वायर है, जैसे मैंने आपको बताया था डीवीडी में आपको ये कलर का मिल जाएगा, तो जिस कलर का होगा आपको उसमें डीवीडी में लगा देना है और फिर आपका सबवूफर बच जाएगा। गाइस ये है इसका तीसरा प्रोडक्ट जिसे आप सेंटर स्पीकर भी कह सकते हैं। इसे आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इसे टीवी के ऊपर रख सकते हैं या टीवी की कोई नीचे टेबल है तो उस पर रख सकते हैं। इससे साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए गाइस इसे पीछे से कनेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको सब वूफर में बताया था, यहाँ पर भी एक रेड और ब्लैक सॉकेट है। इसे आप डाउन पे प्रेस कीजिए और यहाँ होल पे आप वायर डाल के जो भी कलर का वायर है उसमें आप डीवीडी में डाल सकते हैं और फिर आपका सेंटर स्पीकर भी बच जाएगा। तो गाइस चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि स्पीकर को सेट कैसे करें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका बेस स्टैंड है और ये इसका स्टैंड है और ये स्पीकर है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसे सेट कैसे करें। तो गाइस मैंने बेस स्टैंड लगा दिया है, तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि स्पीकर को सेट कैसे करें। ये स्पीकर वाला स्टैंड है, इसे आप ये देख सकते हैं, इसे आप यहाँ पर फिट कर दीजिए। ये देखिए ये फिट हो गया और फिर ये रहा आपका स्पीकर। यहाँ पे देखिए होल है, तो इसको आपको इसमें फिट कर देना है और देखिए ये आपका स्पीकर तैयार। ये देखिए गाइस चारों स्पीकर खड़े हो गए। अगर आपको लगेगा ये ढीला है तो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पे स्क्रू लगा कर इसे टाइट भी कर सकते हैं। स्क्रू आपको डब्बे में मिल जाएगा। और गाइस जरूरी नहीं कि इसे आप खड़े ही रखें, आप इसे निकाल भी सकते हैं। और यहाँ देखिए आप यहाँ काठी ठोक कर किस दीवार के कोने में भी लगा सकते हैं, जिसे आपको पूरा सिनेमा टाइप फील आएगा। और गाइस इसे कनेक्ट भी वैसे ही करना है, पीछे भी दिया हुआ है ब्लैक एंड ब्लू ब्लैक एंड रेड सॉकेट, यहाँ पर आप वायर डालिए और उस कलर्ड वायर से डीवीडी में डालिए और ये स्पीकर आपका बज जाएगा। और ऐसे बजेगा जैसे आपको लगेगा कि आप सिनेमा में बैठकर कोई मूवी देख रहे हैं। गाइस आपने मेरा अनबॉक्सिंग का वीडियो तो देख ही लिया होगा, तो गाइस आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा होगा, ये अगर ठीक से सेटअप होगा या ना होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो मैं आपको एक क्विक डेमो दे देता हूं कि ये कैसा साउंड करता है, चलिए देखते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए और हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। और तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड यस सब्सक्राइब। जय हिंद।